न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं आपके साथ सोनू। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में चोरियां का दौर अनवरत जारी है। बीते एक वर्ष में सैकड़ों चोरियां हुई हैं, जिनका खुलासा ना होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। दो तीन माह पूर्व लालगंज के वार्ड क्रमांक 12 में ही एक शिक्षक के घर में दिन दहाड़े चोरों ने सुने घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का गहना जेवर पार किया था, लेकिन संदेही तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने नईगढ़ी कस्बे में ही वार्ड क्रमांक 12 में एक हार्डवेयर की दुकान से 10 टन सरिया पार किया है। घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों ने सबसे पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को नष्ट किया। इसके उपरांत ट्रक में लोड कर पूरी सरिया उठा ले गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि दुकानदार गहरी नींद में सोते रहे और चोर इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पुलिस की गश्ती टीम गश्त करती रही और मुख्य मार्ग के किनारे से 100 क्विंटल सरिया वह भी ट्रक में लोड कर बदमाश उठा ले गए, यह एक बड़ा सवाल है। चोरी की घटनाओं में जहां खुलासा न होने से चोरों के हौसले बुलंद है, वहीं पुलिस के प्रति लोगों में विश्वसनीयता घटती जा रही है। अब देखना यह होगा कि चोर पुलिस के पकड़ में आते हैं या आवेदन लेकर पुलिस इतिश्री कर देती है। सिक्योरिटी है, वो रहते हैं हमारे यहाँ, तो बताए कि पीछे से दरवाजा बांध दिए थे, सीसीटीवी कैमरे के तार से बांध दिए थे और उसके बाद चोरी किए हैं, पर पता नहीं चला। सीसीटीवी कैमरे में पता चल रहा है तोड़ रहे हैं, उसकी वो फोटो भी है, टाइम की भी फोटो है, सब निकाले हैं, यही है।